सभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है और राम भक्त निरंतर अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश दमोह के बद्री बाबा अपने जटाओं में रथ को बांधकर अयोध्या पैदल जा रहे हैं। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश दमोह जिले के ग्राम चटियागढ़ के बद्री बाबा अयोध्या अपने बालों में रथ को बांध कर पैदल यात्रा राम भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जिनका आज राम भक्तों ने हनुमान चौक पर फूल माला पहनाकर भाव स्वागत किया और श्री राम के जयकारे भक्तों ने लगाए। वहीं बद्री बाबा ने बताया कि हमें भगवान श्री राम की प्रेरणा 1992 में हुई थी, जब से मेरे मन में एक अभिलाष श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की देखने को थी, जो आज प्रधानमंत्री के कार्य कमल द्वारा पूर्ण हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी रथ यात्रा अयोध्या श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जा रही है। वहीं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र हो जाए तो मैं कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करूंगा, जो कि मैं कई वर्षों से संकल्प कर चुका हूँ। आज आपके बीच कह रहा हूँ, वहीं श्री राम के अनंत भक्ति और विश्व हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी संत बद्री बाबा के दर्शन करने के लिए मौजूद रहे। महाराजी, कहाँ से यात्रा आपने प्रारंभ की है और कहाँ जा रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके जा रहे हैं? हमारा उद्देश्य 1992 में था कि भव्य राम मंदिर बने तो मैं अयोध्या के लिए अपनी चोटी से रथ बांध कर लेकर आऊँगा। मैं तहसील पटियागढ़ जिला दमोह से आया हूँ और मेरी प्रतिज्ञा है 500 किलोमीटर कवर करना और अयोध्या तक हमें राम मंदिर बना करके राम मंदिर तक अपना रथ खींच कर चोटी से ले जाना है। और भी कोई लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है, आपने बहुत अच्छी बात, मैं सबके सामने बप्पा बजरंग बली के सामने कहकर जा रहा हूँ, अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए और विश्व गुरु बन जाए तो मैं अपनी चोटी से पूरी 1001 किलोमीटर की रथ यात्रा करूँगा। जय जय श्री राम। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।